नवजोत सिंह सिद्धू दे 3 रुपए यूनिट बिजली देण वाले वादे उते बिक्रम सिंह मजीठिया दे वल्लों हल्ला बोलिया गया है। नवजोत सिंह सिद्धू उते बिक्रम सिंह मजीठिया दा नवजोत सिंह सिद्धू उते तिखा शब्दी हमला, कहा 3 रुपए यूनिट बिजली देण दा वादा करन वाले नवजोत सिंह सिद्धू बिजली महकमा छड़ के भज गए सन। नवजोत सिंह सिद्धू नूं किरदार दा बेहद ढिल्ला शख्स दस्या बिक्रम सिंह मजीठिया ने। सिद्धू का लोगों के नाल कोई तालुक ही नहीं है, सिर्फ कैप्टन के नाल कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे ने नवजोत सिंह। देखो अज बहुत वड्डी मैं समझदा श्रोमणी अकाली दल वास्ते मान का दिन है और बड़ा फकर का दिन है साड़ी सारी पार्टी वास्ते कि जिस लीडर की दुआबे च नहीं केवल सारे पंजाब च क्रॉस पार्टी लाइन बड़ी इज्जत है, बड़ा सत्कार है, बड़ा मान है साड़ी समुची पार्टी ने। देखो कोई इत्थे चाहे मीडिया का सज्जन सी, चाहे वर्कर सी, चाहे सपोर्टर सी, चाहे MLA सी, चाहे XMLA सी, सारे ने आके साथ जगबीर सिंह जी बराड़ नूं घर वापसी नूं जियाया नूं कीता और मैं समझदा उन्होंने सारिया गल्लां स्टेज ती करतियां ने कि मौजूदा जे कांग्रेस के हालात ने कांग्रेस ठोकोताली और कांग्रेस अमरिंदर ग्रुप से जो खिचोतान चल रहा है पंजाब के मुद्दों की गल कि नहीं हो, जो गुटका साहब हाथ च फड़ के वहदे हुए सन कर्जा माफ़ी दे घर घर नौकरी दे मुलाजमान पक्के करना पे कमीशन लागू करना बिजली 5 रुपए यूनिट करनी सोशल वेलफेयर स्कीम बेरोजगारी भत्ता देना 51,000 शगन देनी भावें 51,000 अपना बाकी जिहड़ियां स्कीमां सी उहदी गल करनी वो सारियां गल्लां अज भुल के आपस च छित्रो छित्री होए आ। मैनूं लगदा जो प्रधान मतलब इह जां तां तुसीं भी नहीं वेख्या हुण थोनू भी कह दईए ना उतना थुक तां नहीं सिट सकदे जितना उह सिटदा, मैनूं लगदा तुसीं भी संग महसूस करोगे। और जो कल करदा सी मैं लगता मिथुन चक्रवर्ती का ब्रेक डांस फेल करता है, मैं लगता बसा का धुआं पता नहीं निकलू यदा जरूर निकल जाना छेती। हालात वेखो की है यार, तेरे न्याणे व्याहुण वाले है, देखो घर की यदि बड़ी चिंतित है कि यह ना कि हालात केड़े ने रिश्ता करना धुआं यह ना मार जो तो पहला जिन्हें कप्तान के उत्ते जोर लग्या। मैं तो कप्तान साहब न बेनती करता छड्ड दिओ मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दिओ, निके निके दे न्याणे आ विआह होने में दिमाग की नाड़ी पाट गई नचते स्टेज तो डिग गया लक लोक हिल गया थोड़ी जान नूं स्यापा पै जाना ये बख्श दो इहदा जिवें न्याणा रुसदा है ना इहने फिर भज्जे जाणा इहनूं दे दिओ जो चाहुंदा इहदा कोई मसला नहीं लोकां नाल। देखो बयान की दिता 3 रुपए बत्ती कर पूतने जिहा तूं भुल गया, तूं तां महकमा छड्ड के भज गया सी, तू जे तेरी ये गल तो इमानदारी सी और उदों क्यों ना दिता। और गल करता किरदार की ईमान की, इस बंदे का एक तो करैक्टर ढिला ढिला होंदा तो जमा ही ढिला, जिहड़ा सोनिया गांधी नूं मुन्नी कहिंदा सी ते हुण उहदा मुन्ना बन गया। देखो मैं हाले भी सोनिया गांधी जी का सत्कार नाल कहिंदा, ये कहिंदा सी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बारे माड़ी शब्दावली और कांग्रेस बारे कहना ये मुन्नी नालों वध बदनाम है, शीला वालों नालों वध नीलाम है, या राहुल गांधी वास्ते पप्पू कहना, मतलब की सिस्टम रह गया। और मैं समझदा कितने ना कितने सार बराड़ साहब ने यह सारी गल्लां महसूस कीतियां कि ये की है लोगों के मुद्दे ने, कि इहदे नाल लोगों के पंजाब के मसले हल हो रहे हैं नहीं हो रहे। और इन्हां गल्लां नूं विचारदिआं अज इह पार्टी च आए आ, मैं दिल दीआं गहराइयां तो सरदार प्रकाश सिंह जी बादल साहब वल्लों, सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब आप शामिल करके गए आ, समुची श्रोमणी अकाली दल दी टीम वल्लों इन्हां नूं जी आयां नूं कहिंदा धन्नवाद। सरबजीत सिंह मक्कड़ ने अज इकट्ठ कीता होया सी, उन्हां दा कहना सी सुखबीर सिंह बादल और मजीठिया साहब साडे मेरे प्रोग्राम ते आ रहे ने, ये मक्कड़ साहब दा कोई रिश्तेदार तां नहीं यार तूं दूरों नेड़े? नहीं उहदा ही सवाल उधर ही रह रिहा, साडा भरा हो कुछ नहीं हुंदा, असीं उह वी सत्कारयोग है, असीं उन्हां कोल भी जावांगे सारी। देखो जिहड़े भी फैसले हुंदे आ, कई फैसले मेरे मतलब दे नहीं हुंदे, असीं मन्नदे हां जी, कई फैसले किसी दे मतलब दे नहीं हुंदे, इसलिए उह सत्कारयोग लीडर ने सुखबीर जी ने स्पष्ट करता है। एंड मैनूं पूरी आस है पंथक परिवार है कि पार्टी की चढ़ती कला वास्ते उह काम करनगे। देखो एक बार पहला भी समां सी रायपुर साहब भी टिकट मंगदे सी,
और जो उन्होंने रायपुर साहब भी विचों नाराज हो गए सी बड़ी गल सी, मगर जो पार्टी के लोगों ने बाकिया ने उसनों एक्सैप्ट किया। इस तरह मैं मानता कि एक दूजे की जो कोई फैसला पार्टी कर रही है सारे नाल सलाह करके कर रही है, जो कोई कमी पेशी है बक्कर साहब साढ़े कि बयानबाजी हो रही है देखो मेरा भी जेड़ा तुसी आप दस दो एज अ इंडिपेंडेंट रिपोर्टर तुसी की समझते हो ये बयानबाजी एक प्रधान नूं सोभदी है। देखो जिन्ने मर्जी नीवे पत्तर की गल कर लो कर को तुसी भी कर सकते हो मैं भी कर सकता, मैनू तो इन्ना ही डर है यदा ना धुआं निकल जाए ਇਹ ਨਾ ਕਾਲਾ ਧੂਆ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੋਕਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਚਾਰ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਭਰਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਜੋਕਿੰਗ ਜਾਂ ਕੁਛ ਉਹ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਵਰਕਿੰਗ ਜੋਕਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਲੋਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਮੰਨਦੇ, ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕ੍ਰੋਸ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨਕੋਤ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਚੋਣ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈਗੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕੰਮ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਈ, ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਛਾ ਸਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਘਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਯਾਰ ਅਲੀ ਬਾਬਾ 18 ਚੋਰ ਨਹੀਂ 80 ਚੋਰ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਰਲ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਉਹ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਕੂ ਜਾਂ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਘਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਪੜ ਦਾ ਕਿੰਗ ਪਿੰਨ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਈ ਪੁੱਲ ਰੁੜ ਜਾਣੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਹਟਾਇਆ, ਉਹ ਭਾਂਜਾ ਕੀਦਾ ਮੋਹਨਪਾਲ ਪੰਨੂ, ਉਹ ਮੋਹਨਪਾਲ ਪੰਨੂ ਸਾਲਾ ਕੀਦਾ ਸੁਖਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਘਟਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਗਰ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਜਲਾਲਪੁਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਹਿ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ, ਕੀ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ, ਔਰ ਕੀ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੇਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਰੋਧੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਹੋਰ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਤਾ ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਛੇਤਰ ਵੱਜਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਇਹਦੇ ਧੌਣ 'ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ।